ट्रिपल आईटी कोटा वर्सेस ट्रिपल आईटी श्री सिटी। कोटा कहाँ पर आपका? राजस्थान में। श्री सिटी कहाँ पे? तमिलनाडु में। श्री सिटी खुद का कैंपस है, बट कोटा का खुद का कैंपस नहीं, इसलिए वो NIT जयपुर में उनका चल रहा है कॉलेज। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ, हाईएस्ट पैकेज है कोटा का 82 लैक्स पर एनम। बट श्री सिटी की बात करेंगे, लेटेस्ट मेरे पास रनी है, 1 साल पुराना डेटा है, वो है 43 लैक्स। एवरेज पैकेज की बात करेंगे, कोटा कितना है आपका? 15 लाख के आसपास है। श्री सिटी कितना है आपका? 12 लाख के आसपास है। अब बात करते हैं फीस की। अगर फीस की बात करूं तो जो कोटा का फीस है पूरे 4 साल का बीटेक का, वो कितना है? 8.5 लाख है। अगर मैं सी सी टी की बात करूं पूरे 4 साल का बीटेक कितना है? 10.5 लाख है। एमटेक दोनों कॉलेजेस करवाते हैं। एमटेक का जो सी सी टी का फीस है कितना है? 5 लाख है। और कोटा का एमटेक का फीस कितना है? लगभग 3 लाख है। फाइनेंशियल असिस्टेंस दोनों जगह मिलता है। बीटेक जो गेट के थ्रू से आते हैं, बेसिकली नॉन गेट वालों को उनका अलग तरीके से इवोल्यूशन करते हैं, वो भी एग्जैक्टली बताना मुश्किल है वीडियो के जरिए। अगर ऐसे फैसिलिटीज की बात करें, डेफिनेटली थोड़ा एज मिलेगा ट्रिपल आईटी कोटा को, बिकॉज कैंपस अभी भी जयपुर में है। तो NIT जयपुर जो है बहुत पुराना है, तो फैसिलिटीज के मामले में, रिसोर्सेज के मामले में, एक्सपीरियंस के मामले में थोड़ा एज जरूर मिलेगा मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी जो चीज़ें हैं कुछ खास और डिफरेंस नहीं मिलेगा, टैग लगभग दोनों ही है, राइट? तो उसमें कुछ और आप और ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा जो मेरे को पता लग रहा है। अच्छा, और एक बात, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कितना है आपका? सेम ईयर में हुआ है, 2013 हुआ है। और जो परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है कोटा का, वो 90% के आसपास है, 90 अबाउट 90, यू कैन से दैट, राइट? 90.65% है। बट श्री सिटी का मेरे पास कोई डेटा नहीं है आपके साथ शेयर करने के लिए, इसका कोई डेटा अवेलेबल फिलहाल नहीं है। ये था दोनों कॉलेजेस का डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।